आज दीपक श्रीवास्तव आपको ये सेल्फी स्टिक बना सिखाया जा रहा है, सेल्फी पॉइंट्स बनाते हैं आजकल ना फ्रेम करके स्टेप से। तो हमने माउंट बोर्ड ले लिया है, माउंट बोर्ड को तीन माउंट बोर्ड को कट करके हमने चिपका लिया है। इस पर कुछ डेकोरेशन आइटम लगाएंगे, ये सब चीज़ जो है और रेडीमेड मिलते रोज़ ये लगाएंगे हम स्टेप से। स्टोन ये मोती हाफ कटी मोती इस टाइप ये पेपर आता है, ये देखिए पेपर आता है, इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो आजकल शादी में या फिर कहीं किसी जगह पे भी फ़ोटो फ्रेम के अंदर लोग फ़ोटो सेल्फी लेते हैं तो वो चीज़ ये बनाने जा रहे हैं। ग्लिटर पेपर भी इसमें लगेगा, कुछ ग्लिटर पेपर भी हमने ले लिया है। तो ये आपको इस टाइप से माउंट बोर्ड के अंदर जितना आपको ब्रॉड लेना है उतना आपको कट करके निकाल लेना है और इसको हम तीन लगाएं क्योंकि ताकि मोटा हो। अगर आपको अच्छा सा कोई मोटा गत्ता मिल जाता है इस फ्रिज का या फिर आपके वहाँ कुछ एसी आती हो तो उसके डब्बे अगर मिल जाते तो सबसे अच्छा होता है, वो काफ़ी मोटा और थिक होता है। तो इस स्टेप से इसको हम बनाने जा रहे हैं। तो ये रेडी करेंगे, कटिंग कर लिया है, चिपका दिया हमने तीनों को, तीन को चिपकाया है। अब इसको कट करके हम इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए हमने इसको चिपका दिया फ्रेम को पूरे टाइम, देखिए पूरा इसे चिपका लिया अभी हमने। अब इसको हम इसे फोल्ड करेंगे, इसको चिपकाने का तरीका है इस पर रख करके हमने नाप लिया है और कॉर्नर पर एक कट कर दिया है। देखिए कॉर्नर पर हमने कैचेस कट लगा दिए, इसको अंदर तरफ बैंड कर देंगे, मोड़ देंगे। अब इसको मोड़ने के बाद रेडी करते हैं, इसको फ्ला लगाते हैं। ये देखिए इस टाइप से आपको मोड़ लेना है ताकि ऑटोमेटिक आपको निशान मिल जाएगा और अब ये फ्रेम रेडी हो गया। अब इसके ऊपर हम फ्लावर डेकोरेट करेंगे, ठीक है। पीछे पलट करके हमने फेविकोल लगा दिया है और इसको इस टाइप से बैंड कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको फेविकोल लगा लेना है पीछे पलट करके, ये देखिए साइड साइड में, और इसको फिर इसके बाद इसको बैंड कर देंगे। ये देखिए मेरा फ्रेम रेडी हो गया, ये फ्रेम रेडी हो गया, यहाँ पे तो फ्लावर बनेंगे। हाँ ये देखिए दो, अब दो कॉर्नर को मैं सजाने जा रहे हैं ये मोती और फ्लावर से, ठीक है। तो हम रेडी करने आ रहे हैं इसको इस टाइप से। देखिए यहाँ फ्लावर लाएंगे, रेडीमेड फ्लावर मिलते हैं, तो इस टाइप से हम इसको रखते जाएंगे यहाँ पे। इसे ऑटोमेटिक पीछे लगा हुआ है स्टिक, खोल के आप सजा देंगे अभी। तो आप घर पे ही अपने लिए सेल्फी पॉइंट्स के लिए अपना फ़ोटो फ्रेम रेडी कर सकते हैं, मार्केट से जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इस आइडिया से आप उसको बनाएं, अभी मोती ये सब लगाएंगे, फिर आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। कुछ कुछ ग्लिटर पेपर भी हम यूज़ करेंगे इस टाइप से। हम शुरू करने आ रहे हैं, इस टाइप से सजाते जा रहे हैं, इस टाइप हम सजा दिए। अभी और इसको लगाना है इसमें, अभी पत्तियाँ कटिंग कर रहे हैं इससे और इसको इस जगह पे लगा तो कलरफुल लगेगा, सबके ड्रेस से मैचिंग हो जाएगा। ये देखिए ऐसे लगाते जा रहे पत्तियों को, इस टाइप से पत्तियाँ लगा रही, फ्लावर्स के बीच में लगाएंगे ऐसे पतली पतली छोटी करते जानी, बड़ी से लेके छोटी पत्तियाँ करते जानी है आपको, इधर से बड़ी से पत्तियाँ छोटी करते जानी है स्टेप से। अब ये प्लेस पूरा खाली रहेगा, उधर का वो प्लेस खाली रहेगा। ये देखिए स्टेप का एक कॉर्नर हमने रेडी कर दिया है, ठीक है। आप इसको और भी क्लियर कर ली कुछ लगा सकते हैं। स्टेप से कॉर्नर का एक कॉर्नर रेडी हो गया, अभी तक हम रेडी करने आ रहे हैं। स्टेप्स में पत्तियाँ लगा दिए, मोतियाँ लगा रहे हैं, इधर सेट कर दिया हमने। ऐसे भी चाहिए तो केवल सिंपल आप स्टेप भी बना सकते हैं, मोती से भी केवल डेकोरेट कर सकते हैं। स्टेप से मुझे कलरफुल शादी में यूज़ करना है इसलिए हम स्टेप से बना रहे हैं ताकि सबके ड्रेस से मैचिंग हो जाएगी। अब इस तरफ ये मोती लगा करके इसको चिपकाएंगे, स्टेप से आप कुछ कुछ मोती स्टेप्स रख करके आप देख सकते हैं किस स्टेप से सुंदर लगेगा। आप ऐसे लगा करके इस कॉर्नर को भी भर देंगे, ये पूरा ब्लैंक रहेगा, उधर वो ब्लैंक रहेगा, ठीक है। ये रेडी हो गया मेरा फोटो फ्रेम, स्टेप से आप इसको यूज करेंगे यहाँ पे फोटो खींचने के लिए। थैंक यू इस वीडियो के लिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, आप इसको और भी खूबसूरत बना सकते हैं।